नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ ओ टू माइनस। क्लियर है, इनमें से ऐसा कौन सा आयन है जो ओ टू माइनस के साथ में आइसोइलेक्ट्रॉनिक रिलेशन बिल्डअप नहीं करता है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसे एटम या आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो फर्स्ट चेक करते हैं कि ओ टू माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन हम देख लेंगे कौन ऐसा है जिससे डिफर करेगा। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं ओ टू माइनस की, तो ओ टू माइनस देखें, ओ टू माइनस इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा 8, एटॉमिक नंबर के जितना ही, और इलेक्ट्रॉन अगर इस पर चार्ज नहीं होता तो कितना इलेक्ट्रॉन होता, 8 इलेक्ट्रॉन, सेम एज ऑफ प्रोटॉन, बट इस पर 2 माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर चुका है, तो कितना हो जाएगा 8 + 2, दैट इज टोटल इज इक्वल टू 10। अब देखिए O2- में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर लीजिए कि ऐसा कौन सा यहाँ पे आयन है जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग थैलियम की, थैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81। सो 81 है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नॉर्मल कंडीशन में कितना होता, 81 होता, लेकिन एक डोनेट कर चुका है इसलिए कितना हो जाएगा -1, दैट इज 80। देखिए पहला यही ऑप्शन मैच नहीं किया, दिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2 minus, so this is our answer। अब बाकी सबको भी चेक कर लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल कंडीशन में 11 होता, बट 1 क्या कर चुका है ये, डोनेट कर चुका है, सो -1 इज इक्वल टू 10, देखो मैच कर गया, ठीक। सो Na+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2-, ठीक है, हमने चेक भी किया देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में जस्ट। फिर हम बात करते हैं N3 मतलब नाइट्रोजन, 3 माइनस चार्ज, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो कितना हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में 7, बट ये 3 गेन कर चुका है तो +3, तो कितना हो जाएगा टोटल 10, दिस इज आल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2 माइनस। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, सो नॉर्मल कंडीशन में कितना होता 9, बट ये एक और गेन कर चुका है सो +1, दैट इज 10। तो देखिए ये तीनों के तीनों क्या हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इसके, और ये थैलियम, थैलियम इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2 माइनस, सो आवर आंसर इज थैलियम। थैलियम एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है किसका, O2 माइनस का, जो हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। सो इस तरह से हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां से आपको आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक एक अच्छे फॉर्म में क्लियर होगा। आप कोई भी टॉपिक को और चाहते हैं कि मैं उस पर लेक्चर बनाऊं तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, थैंक यू।